हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरे सब बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। सर आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और दोस्तों, जो क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले लेक्चर में कराए हैं, उम्मीद है सारे के सारे आपने दोबारा ट्राई भी कर लिए होंगे और आता हूँ जी सेटअप ली, घुटनों में फिट भी हो चुके होंगे। सर सर सर, इससे बाहर कोई टॉपिक एग्जाम में नहीं आएगा। इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन मत लेना। बस याद रखना, जो दो मंत्र मैंने आपको बताए थे वो दोनों मंत्र आपको याद रखने हैं, राइट? प्री क्वेश्चन पीरियड डेट ऑफ लॉन्च शुरू होता है, गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च में खत्म होता है। और डिडक्शन कहाँ से शुरू होती है? गृह प्रवेश वाले ईयर से शुरू होती है, 5 साल तक जाती है। 5 साल में जो रिडक्शन मिल रही है, उन 5ों सालों में अपना जो एग्जाम का ईयर है वो अगर आ रहा है तो रिडक्शन देंगे। अगर 5 साल निकल गए, ठीक है मुन्ना, तो हम रिडक्शन नहीं दे पाएंगे। सर कैसे लिखी है ये बात सेक्शन 24 में, एक बार है ना घुटनों तक पहुंचा लेते हैं, देखो क्या कहती है बात। सर रिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, बिल्कुल डिटेल में बता चुका हूँ, सारे के सारे खर्चे है कि नहीं बात, कड़ी वाला सब जगह खर्चे 30% में आते हैं, राइट? जो मैंने तुम्हें लिखवाई बात वो ये लिखी, अगर एनएवी नेगेटिव है तो डिडक्शन आप निल लेंगे, नेगेटिव एनएवी की 30% नेगेटिव डिडक्शन नहीं ले सकते। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, सर ये बात, लोन आपने जो लिया है, बोरोड कैपिटल बोलते हैं लोन जो लिया है, हाउस लोन, वो चाहे कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, रिपेयर के लिए लिया हो, रिन्यूअल के लिए लिया हो, किसी के लिए भी लिया हो, डिडक्शन आपको मिलेगी। और सबसे डेंजर बात यह है, डिडक्शन पेड बेसिस पर नहीं है, यानी किस बेसिस पर सर? एक्रुअल बेसिस पर है, यानी कि इसी में साथ आप लिख सकते हैं। सर क्या लिखनी है बात, लिखो साथ के साथ, डिडक्शन इज अलाउड है ना, डिडक्शन इज अलाउड, लिखो साथ साथ, इवन इफ इंटरेस्ट इज अनपेड। अगर इंटरेस्ट अनपेड है, राइट, या फिर इंटरेस्ट पेबल है तो भी आपको डिडक्शन मिलेगी। बस एक्रुअल बेसिस, जैसे अकाउंटिंग करते हैं ना एक्रुअल बेसिस पर, एक्रुअल बेसिस पर डिडक्शन मिलती है। अब सर इससे क्या बात, इससे क्या राज की बात समझ में आई? सर डिडक्शन हमें मिल जाएगी एक्रुअल बेसिस पर, ठीक है सर, बात समझ आ गई, मजा आ गया। लेकिन म्युनिसिपल टैक्स की अगर बात करें तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर है, तो म्युनिसिपल टैक्स की रिडक्शन मिलेगी जब वो एक्रू नहीं, जब वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, पेड हो जाएगा। ये खतरा बना के नोट कर ले, कई बार एग्जाम में बच्चे बालक बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, या तो दोनों ही अक्रूवल पे कर देते हैं या दोनों ही पेड पे कर देते हैं, क्योंकि बच्चे को ये बात याद रहती है म्युनिसिपल टैक्स पेड, तो वो डिडक्शन भी अक्रूवल की जगह पेड पर दे आते हैं। तो याद रखना, डिडक्शन अक्रूवल पे भी मिलेगी और म्युनिसिपल टैक्स सिर्फ पेड पे मिलेगा। तो मैंने बात, राइट, एग्जाम में कैसा आएगा, एग्जाम में ऐसा आएगा भैया, इंटरेस्ट पेबल हो गया या ड्यू हो गया 1 लाख रुपए, है कि नहीं बात, राइट? जो ड्यू था सेम म्युनिसिपल टैक्स भी क्या था, ड्यू था मान लो 20,000 रुपए। तो बच्चा सोचेगा भैया हो लिया काम, हो लिया काम, छोटी छोटी बातें मिस हो गई, जैसे गाना गाते बच्चे ने, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें एग्जाम में लंबी हो जाती है। अब वो कह रहा है यार इंटरेस्ट भी ड्यू है और म्युनिसिपल टैक्स भी ड्यू है, राइट? अब उसे याद आ रही है बात, हाँ सर फॉर्मेट में था जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड, यहाँ तो म्युनिसिपल टैक्स पेड था, पेड था, तो इसका मतलब ड्यू की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो वो कांटा लगाएगा कि भैया म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन पेड की मिलती है, देयरफॉर 20,000 की डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी क्योंकि वो पेड नहीं है, पेबल या ड्यू है। अब ऊपर वाला बार पॉइंट तो ठीक करते, म्युनिसिपल टैक्स पेड होना चाहिए था, उसने ड्यू बेसिस पर डिडक्शन नहीं दी, सही है पॉइंट बिल्कुल। फिर भैया है ना, इतनी बात तो खत्म। फिर लिखा आएगा इंटरेस्ट ड्यू, अब यहाँ चक्कर खाएगा, अरे भैया इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू, सोचते सोचते टाइम निकल जाएगा, इस चक्कर में पूरा पेपर, बाकी पेपर भी छूट जाएगा उसका, है कि नहीं बात? वो सोचेगा करूं क्या करूं, अगल से पूछूं, बगल से पूछूं, किससे पूछूं, है कि नहीं बात? तो ना अगल बता रही ना बगल बता रही। तो भैया इसलिए गलती ना हो, याद रखना यहाँ ड्यू बेसिस पर है, तो बच्चा एग्जाम में क्या करके आएगा, नो डिडक्शन अलाउड बिकॉज इंटरेस्ट इज नॉट पेड, नो डिडक्शन एज इंटरेस्ट इज नॉट पेड, इंटरेस्ट इज नॉट पेड। और भैया वही लगा लो काटे, हो लिया मामला गलत, तुम तो ये सोच के आ गए इंटरेस्ट पेड ही नहीं है, है कि नहीं बात, तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, यानी कि इंटरेस्ट जो डिडक्शन है वो पेड बेसिस पर है,
से ये मान के सॉल्व कर दिया, पर लिखा क्या है यहाँ, गच्चा खावे नहीं खावे गच्चा, यहाँ लिखा क्या है कि इंटरेस्ट पेएबल बेसिस पर एक्रुअल बेसिस पर भी डिडक्शन दी जाती है, इसलिए इसको ध्यान से खतरा बना के नोट कर लेना, डिडक्शन इज अलाउड इवन इफ इंटरेस्ट इज अनपेड एक्रुअल या पेएबल, लेकिन बात चाहे वो अनपेड हो या पेएबल हो, ठीक है ना, राइट, बस वो पेएबल हो जाना चाहिए, ड्यू हो जाना चाहिए, बस ड्यू हो गया तो डिडक्शन मिलेगी चाहे आपकी जेब से गया हो या ना गया हो। तो भैया ये हो गया गलत, क्या लिखेंगे, ड्यू बेसिस पर है यानी इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, राइट, पेएबल है तो डिडक्शन विल बी अलाउड, तो भैया डिडक्शन जो मिलेगी सेक्शन 24 की वो अलाउ होगी। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, बोलो मजा ही आ चुका है, मजा ही आ चुका है सर, क्या बात बताई। फिर मुन्ना इतनी बात नोट कर ली, फिर ये वाली बात है, तो भैया चीख चीख कर ये बता रहा हूं तुम्हें कि इंटरेस्ट की जो डिडक्शन है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में वो 5 साल तक ही मिलेगी, और सबसे खतरे की बात जो कई बार तुमसे मैं खतरा बनवाता आ रहा हूँ, ये भैया डेंजर है, डेंजर है, डेंजर है, डेंजर को बिल्कुल है ना डेंजर की तरह नोट करें, 5 साल की जो इंस्टॉलमेंट है, 5वां साल है ना, 5 साल की जो इंस्टॉलमेंट है उसके 5 साल कहां से शुरू होंगे, 5 साल में से पहला साल शुरू होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच प्रॉपर्टी इज कंस्ट्रक्टेड या कंप्लीटेड, या प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, जिस दिन खरीदी हो या जिस दिन प्रॉपर्टी बन के तैयार हो गई हो उससे हमारे ईयर शुरू होंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का फर्स्ट ईयर कौन सा होगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड फर्स्ट ईयर कौन सा होगा, जो मैंने आपको रात की बात लिखवाई, इंटरेस्ट डिडक्शन कहां से शुरू होगी, इंटरेस्ट की डिडक्शन गृह प्रवेश वाले ईयर से शुरू होगी, फर्स्ट ईयर कौन सा हुआ, फर्स्ट ईयर गृह प्रवेश वाला हुआ, गृह प्रवेश वाले ईयर से स्टार्ट करेंगे सर, ये बात हम सीखते आ रहे हैं, तो यही बात यहाँ पर लिखी है। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, बिल्कुल मजा ही आ चुका है सर। अब आती है बात बहुत ही मजेदार, हमने जो देखा था, हमने जब डिडक्शन पढ़ी थी तो हमने ये सीखा था कि अगर मैंने हाउस लोन लिया है, ठीक है मुन्ना, अगर हाउस लोन लिया है तो एक प्रिंसिपल अमाउंट जाता है, याद आ गई बात, सर याद आ गई बात, एक जाता है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूल, और एक जाता है ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, राइट, प्रिंसिपल अमाउंट जो मैं दे रहा हूं सर, प्रिंसिपल अमाउंट जो मैं दे रहा हूं वो मुझे 80C में डिडक्शन मिलेगी, जिसकी लिमिट आप याद कर चुके थे, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन पेड और 2 लाख रुपए, राइट, जो 80C की लिमिट है, ठीक है याद आ गया ना 2 लाख रुपए, तो भैया 80C की लिमिट, जो 80C की मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपए, राइट, विच एवर इज लेस, ठीक है, ये इंटरेस्ट कहां मिलेगा, ब्याज, प्रिंसिपल अमाउंट तो 80C में चला गया, ये जाएगा हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर, जो मैंने तुम्हें 80C में बताई थी बात, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर सर सेक्शन 24 में ये हमें इसकी डिडक्शन मिलेगी। अगली राज की बात, राज की बात बताई, आज हमारे दिल में खतरनाक सी उलझन है, पता है क्या उलझन है, तो बच्चे एग्जाम में उलझ जाते हैं, भैया मैंने हाउस लोन लिया, ये मैंने जो तुम्हें बताई बात, ये लिया था मैंने मान लो बैंक से, तो बैंक से अगर हाउस लोन लिया है तो भैया डिडक्शन मिल जाएगी, याद आ गया क्वेश्चन, सर याद आ गया, प्रिंसिपल 80C में और इंटरेस्ट सेक्शन 24, ठीक है, अब मैं यहां बैंक को काट रहा हूं और मैंने ये हाउस लोन लिया है फ्रेंड से, भैया दोस्त से लेने क्या दिक्कत है, दोस्त यार में चलती है बात, दोस्त से मैंने बिल्कुल लीगली है ना कॉन्ट्रैक्ट बनाकर लोन ले लिया घर के लिए, अब लोन लिया तो कहीं भी हमने ऊपर कहीं भी जहां हमने सेक्शन 24 पढ़ा, कहीं ये पढ़ा कि भैया बैंक से ही लेना जरूरी है, ना मुन्ना ना, यानी कि अगर मैं हाउस लोन दोस्त से भी लेता हूं तो भी मुझे इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, ठीक है मुन्ना, तो क्या लिखेंगे यहां पर राज की बात, देयर इज नो कंडीशन दैट लोन शुड बी फ्रॉम, there is no condition that loan should be from bank only, that is to say deduction of interest allowed even if साथ साथ है ना, loan is taken from
फ्रेंड एटसेट्रा ना, दोस्त से ले लिया, किसी पर्सनल किसी बंदे से ले लिया, इस तरीके से राइट, यानी कि डिडक्शन अलाउड होगी, है कि नहीं बात, दैट इज डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट सेक्शन 24 में अलाउड होगी, चाहे आप लोन दोस्त से लिया। तो यहाँ दोस्त और बैंक की ऐसी भी कंडीशन नहीं, कहीं से भी लोन ले लो, इंटरेस्ट की डिडक्शन के द्वार हमेशा खुले हैं। लेकिन लेकिन मुन्ना, अगर तुमने लोन लिया है दोस्त से, अगर तुमने लोन लिया है दोस्त से, तो 80C में जब घुसोगे, GTI के नीचे 80C, याद आ गई बात, डिडक्शन, 80C की डिडक्शन में जब घुसोगे, तो 80C की डिडक्शन, 80C की डिडक्शन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी मुन्ना, नहीं मिलेगी। ये एसआर के जो मैं तुम्हें बना के दे रहा हूं, ये भैया नोट कर लेना बहुत ध्यान से, 80C में भी, हालांकि मैंने क्वेश्चन करा था दोस्त वाला, ठीक है, और यहाँ भी ध्यान से, 80C में रिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि 80C में क्या लिखा है, 80C में लिखा है लोन इज टेकन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, ठीक है, वहां दोस्त नहीं लिखा, तो 80C में रिडक्शन नहीं मिलेगी। क्यों? एज फ्रेंड इज नॉट कवर्ड, लोन फ्रॉम फ्रेंड, है ना, फ्रेंड से लोन, फ्रेंड्स लोन इज नॉट कवर्ड इन 80C, 80C में दोस्त से लोन लेने पर प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी, 80C में ये कवर नहीं। दोस्तों उम्मीद है बात समझ आ चुकी होगी, राइट, इसलिए ये फोटो या पिक मैंने आपको लगा के दे रखी है। एक और बात याद रखना, साथ साथ 80C में प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ जो स्टैम्प ड्यूटी, देखना स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है, जो हमारे, है ना, एरिया के जो हमारे GD हो गया जैसे, या डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, BMC हो गया ना, वो स्टैम्प एरिया की स्टैम्प ड्यूटी, उस घर की स्टैम्प ड्यूटी, उस जमीन की स्टैम्प ड्यूटी निकालती है। तो जो गवर्नमेंट जो वैल्यू बताती है उसे स्टैम्प ड्यूटी बोलते हैं, हो सकता है याद आ गया होगा आपको। तो स्टैम्प ड्यूटी की भी डिडक्शन मिलेगी और रजिस्ट्रेशन फीस की भी डिडक्शन मिलेगी 80C में, राइट। सेक्शन 24 में आऊंगा तो इंटरेस्ट ऑन होम लोन की डिडक्शन मिलेगी। यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लेना, स्टैम्प ड्यूटी के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट की भी डिडक्शन मिलती है, प्रिंसिपल, है ना, जो मैं बैंक को पे कर रहा हूँ, तो स्टैम्प ड्यूटी की रिडक्शन मिलती है प्लस प्रिंसिपल अमाउंट की रिडक्शन मिलती है, राइट, 80C में। सेक्शन 24 में कौन सी रिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन की रिडक्शन मिलेगी, इवन आप फ्रेंड से ले रहे हो या रिलेटिव से ले रहे हो, है कि नहीं बात, राइट। और HRA वाला मामला तो आपको पता ही है कि अगर कंपनी से मुझे HRA मिल रहा है तो भैया HRA की रिडक्शन आप सैलरी हेड में लेंगे, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पर जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, या फ्रेंड रिलेटिव, ठीक है, एटसेट्रा, यहाँ पे आ जाएगा, अदर देन बैंक की भी आपको सेक्शन 24 में रिडक्शन मिलेगी। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, हाँ सर बात समझ में आ चुकी है, बोलो मजा ही आ चुका है, तभी 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 मेरे को भी तसल्ली होगी, हाँ भाई मजा ही आ चुका है, हाँ सर बिल्कुल मजा ही आ चुका है सर। तो सर, तो मुन्ना मुन्नी हो, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसा हमने जाना, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क तेरा तू मेरा, अगली बात, तो भैया अगली बात, अगली राज की बात सुनना ध्यान से। कभी कभार क्या होता है मुन्ना, कभी कभार क्या होता है, मुझे लोन अरेंज करने के लिए, है ना, लोन का अरेंजमेंट करने के लिए, ठीक है, लोन का अरेंजमेंट करने के लिए मुझे कई बार कुछ ब्रोकरेज दे दी जाती है ना, मैं ब्रोकरेज पे करनी पड़ जाती है, ब्रोकरेज में जैसे दलाली, है ना, कमीशन। तो भैया जैसे हम शेयर मार्केट से शेयर खरीदते हैं, जैसे हर्षद मेहता ने कहा शेयर मार्केट मकुआ है जो पूरे देश के प्यास जा सकता है, है कि नहीं बात। तो भैया शेयर खरीदेंगे बेचेंगे तो ब्रोकरेज देनी पड़ती है ब्रोकर को, राइट। ऐसे ही कुछ घर के ब्रोकर भी होते हैं जो मकान रेंट पे दिलाते हैं, ठीक है ना, अब उसे कहते हैं हम प्रॉपर्टी डीलर। तो भैया मैं एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गया, ठीक है मुन्ना, प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे बोला सर मकान चाहिए रेंट पे, अब नया शहर था, नई शहर, नई हवा, नई फिजा, है कि नहीं बात, पता नहीं। तो मैंने सोचा कहाँ इधर उधर भटकूंगा, मैं मुन्ना प्रॉपर्टी डीलर के पास गया, मैंने प्रॉपर्टी डीलर से बोला भाई साहब मकान दिला दो रेंट पे यार, है ना, बहुत दूर से आया हूँ, ठीक है, कहीं मकान नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बड़ी दिक्कत हो रही है, कंपनी बस कह रही कि भैया मकान वकान अपने आप अरेंज करो। तो प्रॉपर्टी डीलर ने बोला सर बहुत बढ़िया मकान दिलाऊंगा, इतनी अच्छी सोसाइटी में मकान दिलाऊंगा, फ्लैट में मजा आ जाएगा, सेफ्टी वगैरह सब है। जैसे ही आपको मकान रेंट पे मिल जाए, है ना, जैसे ही आपको मकान रेंट पे मिल जाए, मेरा भैया 10,000 रुपये का, चलो 10,000 रुपये ज़्यादा लग रहा है, तो मैं चलो 5,000 रुपये का, है ना, क्या कर देना सर,
कमीशन दे देना मुझे, मेरा 5,000 रुपये कमीशन है, रेंट पे आपको बहुत बड़ा मकान मिलेगा, सालों साल रहना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं बॉन्ड भी भरवा दूंगा, 1 साल तक तो आपको कोई वहां से निकाले गई, मेरा कमीशन दे देना बस। लेकिन कमीशन जब लूंगा जब मकान आपको पसंद आ जाएगा, जब तक पसंद जाएगा दिखाता रहूंगा, राइट। तो उसे बोलते हैं भैया ब्रोकरेज और कमीशन। अब ब्रोकर ने क्या किया, अब ब्रोकर ने क्या किया, भैया मुझे मकान दिला दिया, मैंने उसे कमीशन का वादा कर दिया, राइट। ये तो हो गई अलग बात, मैंने उसको बोला कि भाई जब तूने मकान दिला दिया है ठीक है, तो ऐसा कर जब तक किराए पे रह रहा हूँ, जब तक रहता रहूंगा, मुझे एक मकान खरीदवाने के लिए लोन दिला दे, कब तक भैया किराए के मकान पे रहूंगा, राइट। तो ये तो एग्जांपल हो गया है ना कमीशन का, कि भाई ब्रोकर एक कमीशन लेता है। अब अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ये अपने कॉन्सेप्ट नहीं, ये एग्जांपल है, अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब मैंने क्या किया, ब्रोकरेज, उसी प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे क्या किया, लोन दिला दिया फॉर परचेज ऑफ हाउस, लोन फॉर कंस्ट्रक्शन या परचेज। मैंने कहा भैया मेरा लोन का, तुमने यार जब मकान का अरेंजमेंट करा दिया, राइट, ऐसे मेरा लोन का अरेंजमेंट करा दो। तो उसने मुझे लोन दिला दिया, लोन दिलाने के बाद वो बोला कि भैया जैसे ही है ना आपको मैं लोन दिलाऊंगा, राइट, बिल्कुल वैसे ही आपको मुझे क्या देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा लोन मिलते। तो भैया मुझे लोन दिया है ना, किसने लोन दिलाया, प्रॉपर्टी डीलर ने, फ्रॉम, याद आ गए, आ जाएंगे आपको वसूली भाई, वसूली भाई याद आ गए, लोन मालो, तो वसूली भाई से लोन मिल गया। जैसे मुझे वसूली भाई से लोन मिला तो भैया इंटरेस्ट की डिडक्शन तो मिलेगी, सेक्शन 24 कहता है लोन आप कहीं से भी अरेंज कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मेरा लोन का अरेंजमेंट हो गया, मैंने प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन या ब्रोकरेज दे दिया, ब्रोकरेज पे कर दिया। अब भैया इसकी हेडिंग मैंने खुद डाली, ब्रोकरेज फॉर लोन। अब बताओ ये ब्रोकरेज फॉर लोन जो है, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को बोला सर ये जो ब्रोकरेज फॉर लोन मैंने दिया है, ये भी तो मेरा खर्चा ही है मकान के ऊपर, क्योंकि जो मैंने लोन लिया है उससे मकान खरीद रहा हूं। अब क्या हुआ, प्रॉपर्टी डीलर ने या किसी बंदे ने मुझसे ब्रोकरेज कमीशन मांगा, मैंने दे दिया, तो खर्चा मुझे अलाउड होना चाहिए। अब बताओ मुन्ना खर्चा अलाउड होगा या नहीं होगा, क्या लगता है? सर 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 बात समझ में नहीं आ रही सर, कैसे बताएं क्या होगा नहीं होगा? तो भैया सुनो, सेक्शन 24 पढ़ लिया मुन्ना, जो पढ़ लिया उस पर भरोसा करो, जो पढ़ लिया उस पर भरोसा करो। सेक्शन 24 ने क्या बोला, सेक्शन 24 ये बोलता है, धारा 24 ये बोलती है, पहला 30% जो एनुअल वैल्यू का खर्चा होगा, 30% ऑफ एनएवी, वो तो सारे के सारे उसके एक्सपेंस से रिलेटेड होगा, घर के छोटे मोटे वेयर एंड टियर एक्सपेंसेस। अब बात आती है जब मैं बोरोड कैपिटल बोले तो यहाँ क्या है, लोन। जब भैया लोन के बारे में बात करेंगे, लोन के बारे में बात होगी तो डिडक्शन किसकी होगी, डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की होगी। इंटरेस्ट लिखा है ना, डिडक्शन सिर्फ इंटरेस्ट की होगी। जब डिडक्शन इंटरेस्ट की होगी तो आपने जो लोन लिया है ना, याद आ गई बात, उसके लिए जो भी कमीशन ब्रोकरेज पे की है, क्या ये कमीशन और ब्रोकरेज इंटरेस्ट है? नहीं सर, नहीं इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट हम देना शुरू करेंगे। तो भैया लोन लेने पर एक तो मैंने ये क्या किया, प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन दिया, और लोन ही लेने पर वसूली भाई को मैं क्या दूंगा, मैं इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। तो भैया इंटरेस्ट जो मैं दूंगा, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 24 के तहत, जो हमने अभी अभी पढ़ा कि सेक्शन 24 कहता है इंटरेस्ट की डिडक्शन लो मुन्ना, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 24 में। क्या सेक्शन 24 में ब्रोकरेज कमीशन फॉर द लोन इसकी बात लिखी है? नहीं लिखी मुन्ना। तो बस जज साहब ने बोला कि लॉ तो पढ़ लेता पहले, लॉ तो पढ़ ले, तो लॉ पढ़ने के बाद तुम्हें पता लगेगा ब्रोकरेज कमीशन वर्ड लिखा ही नहीं है। तो भैया ब्रोकरेज कमीशन ऑन अरेंजिंग द लोन की डिडक्शन नहीं मिलती, नो रिडक्शन फॉर ब्रोकरेज फॉर अरेंजिंग द लोन। तो सर ये बात समझ में आ चुकी है,
सर ये बात कहाँ लिखी है सर, ये तो पता ही नहीं लगा। तो मुन्ना ये लिखी बात तुम्हारी नजर के सामने से जिगर के पास तक लेके जाओ। नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी ब्रोकरेज कमीशन फॉर अरेंजिंग द लोन। उम्मीद है लॉजिक भी समझ में आ चुका होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ क्या है, कमीशन ब्रोकरेज है, वन टाइम इसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ में आई ना बात? सर बात समझ में आ चुकी है? बोलो सर, समझ में आ चुकी है। अब भैया एक केस आया बहुत खतरनाक, मतलब हेड्स ऑफ वाला केस आया, मजा आ जाएगा पढ़ के। केस का नाम क्या था सर? केस का नाम था, है ना, कोई बात नहीं, याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो फर्ज है बताना। सर केस का नाम था शिव किशन वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1973। वाह सर, 1973 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था भैया। अब तुम बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो लॉ बन जाते हैं, तो ये है ना एक भाई साहब थे, ठीक है ना, राइट, ये बहन जी जो भी होंगी, इनकम टैक्स कमिश्नर से झगड़ा हो गया। 1973 में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि क्या होने वाला है, क्या मानेंगे। सर झगड़ा किस चीज का हुआ, सुनने ध्यान से, झगड़ा किस चीज का हुआ? इन्होंने भैया, इन्होंने लोन लिया, ठीक है, राइट, जिसकी इंस्टॉलमेंट बैठती थी सर 38 इंस्टॉलमेंट थी एग्जैक्टली। खैर हमें है ना एग्जैक्टली हमें एग्जाम में तो लिखना है नहीं कितनी इंस्टॉलमेंट थी, तो 37-38 इंस्टॉलमेंट का इन्होंने लोन लिया। अब इन भाई साहब ने जब लोन ले लिया हाउस के लिए, तो लोन की इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी। अब इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी तो इंस्टॉलमेंट में तो भैया प्रिंसिपल भी होता है और ब्याज भी होता है, राइट, इंस्टॉलमेंट डिले कर दी, ना ही मतलब प्रिंसिपल दिया ना ब्याज दिया। बैंक को आया गुस्सा, क्योंकि बैंक ने पहले ही लोन की कंडीशन में ये बता चुका था कि अगर आपने डिले इंस्टॉलमेंट करी है, राइट, अगर आपने इंस्टॉलमेंट में डिले किया है मुन्ना, तो याद रखना जितना डिले करोगे तो डिले पर बैंक का क्या नुकसान है, एक तो प्रिंसिपल भी लेट आ रहा है और ऊपर से ब्याज का भी नुकसान हो रहा है। तो बैंक ने अपनी नॉर्म्स में लिख रखा था कि जो लेट इंटरेस्ट होगा, है ना, राइट, आपने जो इंटरेस्ट पे करना था वो पे नहीं किया, जो लेट इंटरेस्ट होगा जितना भी आप लेट करोगे उस पर हम और इंटरेस्ट लगाएंगे। यानी कि बैंक ने बोला देयर इज अ फर्दर इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिलेड इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया। हिंदी में लिखेंगे तो सर ब्याज के ऊपर ब्याज, है कि नहीं बात, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया। अब भैया लग गया। शिव किशन जी ने क्या किया, शिव किशन जी ने, राइट, बात स्वीकार ली, ठीक है भैया मेरी गलती है, मैंने मान लिया गलती मेरी है, राइट। अब जब उन्होंने अपना हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट बनाया, हाउस प्रॉपर्टी का जब फॉर्मेट बनाया, सुनने ध्यान से क्या मजे किए उन्होंने, सेक्शन 24 में जब घुसे, तो सेक्शन 24 में है ना पहले रिडक्शन तो 30% ऑफ एनएवी ले ली। जब इंटरेस्ट की रिडक्शन ली तो एक तो उन्होंने इंटरेस्ट, क्योंकि ड्यू बेसिस पे मिल जाता है कि नहीं बात, राइट, मान लो इंटरेस्ट चार्ज ऑन इंटरेस्ट, उनका ओरिजिनल इंटरेस्ट था, है ना, ओरिजिनल इंटरेस्ट था मान लो फॉर एग्जांपल 1000 रुपए, ठीक है, उस ओरिजिनल इंटरेस्ट पर एक तरीके से इंटरेस्ट लगा दिया, है ना, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया, वो लग गया मान लो 200 रुपए, राइट। तो उन्होंने बोला भैया जो मेरा ओरिजिनल इंटरेस्ट बैठता था वो तो मैं दूंगा, है ना, चिंता की कोई बात नहीं, वो ड्यू बेसिस पे भी ले लूंगा, तो 1000 रुपए का तो मेरा इंटरेस्ट हो गया, है ना, ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया सर, ठीक है सर बात। साथ के साथ जो 200 रुपए का ब्याज है वो भी, उसकी भी रिडक्शन लूंगा, तो 200 रुपए का इंटरेस्ट ऑन डिलेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिले इंटरेस्ट, जो मैंने लेट पे किया उसके ऊपर 200 रुपए, टोटल डिडक्शन मेरी हो गई इंटरेस्ट की 1200 रुपए, टोटल डिडक्शन हो गई मेरी 1200 रुपए। तो भाई साहब ने, बहन जी ने 1200 रुपए की डिडक्शन क्लेम कर दी, 200 रुपए की एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम कर दी। अब ये बात कोर्ट तक पहुंची, जब ये बात कोर्ट तक पहुंची तो जज साहब ने क्या बोला, जज साहब ने बोला भैया ये बताओ अगर तुम लेट ना करते, वो मुन्ना मुन्नी, अगर तुम लेट नहीं करते डिडक्शन, तो इंटरेस्ट की पेमेंट लेट नहीं करते, तो इंटरेस्ट की डिडक्शन कितनी मिलती,
सर इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है सिर्फ 1,000 रुपए की टाइम पेमेंट करने पर, क्योंकि जो मेरा इंटरेस्ट है वो लोन के ऊपर कितना है 1,000 रुपए, ठीक है ना। राइट, तो भैया लोन लिया, लोन के ऊपर का ब्याज था सर 1,000 रुपए का, ओरिजिनल ब्याज ओरिजिनल लोन के ऊपर। अब लेट जो किया उसके ऊपर कितना और एक्स्ट्रा चार्ज किया सर, 200 रुपए और एक्स्ट्रा चार्ज किया लेट करने पर। तो मुन्ना ये जो 200 रुपए जिसे आप बोल रहे हो इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, ये मुन्ना 200 रुपए ब्याज नहीं है, ये तो बैंक ब्याज का नाम दे रहा है। नाम पे मत जाओ, नाम तो भैया मेरा किसी का तुम्हारा नाम राम भी हो सकता है, तो राम के गुड़ थोड़ी आ गए। नाम में तो भैया एक मिठाई है उसका नाम है गुलाब जामुन, तो नाम पे मत जाओ क्योंकि गुलाब जामुन में ना गुलाब है ना जामुन है, कि नहीं बात। राइट, ठीक है, तो ऐसे नाम पे मत जाओ, नाम तो भ्रमित हो सकता है, गुलाब जामुन में ना गुलाब है ना जामुन है। ऐसी कोई मिठाई है चंद्रकला, ना उसमें चंद्र है, गोल होती है चंद्रमा की तरह तो होती नहीं, और ना ही कोई कला है उसमें, तो मिठाई है। तो भैया ऐसे नाम पे मत जाओ, 200 रुपए भले ही क्या है इंटरेस्ट ऑन डिलेड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिलेड इंटरेस्ट है, पर ये 200 रुपए इंटरेस्ट की जगह इसका प्योर वर्ड पता क्या है, पेनल्टी। भैया ये पेनल्टी है, पेनल्टी। अगर तुमने अपना ब्याज डिले किया है, अगर तुमने अपना ब्याज डिले किया है, तो बैंक सरल भाषा में एक आम आदमी को ये समझाता है कि सर ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट छोड़ो, अगर आपने डिले किया तो 200 रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ेगी, 200 रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो जो पेनल्टी है वो कभी ब्याज नहीं होता, इसलिए ये 200 रुपए जो आप एक्स्ट्रा मांग रहे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है, लगा लो कांटे। तो भैया कांटे लगेंगे, 200 रुपए की इंटरेस्ट और इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 1,000 की मिलेगी। तो एसएससी बोलेगा सर इंटरेस्ट की डिडक्शन कितनी है मेरी, सर इंटरेस्ट की डिडक्शन है आउटर कॉलम में सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए। क्या रात की बात लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज अ पेनल्टी, देयरफॉर नो डिडक्शन इज अलाउड ऑन पेनल्टी। सर कहां लिखी है बात, ये लिखी, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। क्यों डिडक्टेबल नहीं है, लिखो जल्दी, क्यों नहीं है, बिकॉज केस में बता चुका हूं, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डिलेड इंटरेस्ट इज पेनल्टी, ये पेनल्टी है ब्याज नहीं है, और ब्याज की रिडक्शन दी जाती है, पेनल्टी की रिडक्शन नहीं दी जाती। बोले सर बैचन में आ चुकी है, बैचन में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। हाँ सर बिल्कुल मजा ही आ चुका है। सर अगली कहानी क्या है, अगली कहानी और बहुत ही मजेदार, पीछे की कहानी से लिंक करते हैं। अब मैंने भैया आपने देखा, अब मैंने लोन ले लिया था किससे, गोलमाल वसूली भाई से, ठीक है। अब भैया गोलमाल में तो वसूली भाई को वो पागल बना के भाग लेते हैं भैया, है कि नहीं बात, असली जिंदगी में वसूली भाई पागल बनने वाले नहीं है। अब भैया सुनना ध्यान से, मेरी कहानी है ना बड़ी दर्द भरी कहानी है, दर्द भरा इसीलिए में कि रोने को जी करता, ऐसे तो गाने गा रहा हूँ। राइट सर, हुआ क्या, हुआ ये कि भैया मैं गया था, बहुत ही खतरनाक इंसान वसूली भाई के पास, है ना, काले कलर का, काले कलर का मस्सा भी था उनके ऊपर गाल पर, पुराने जमाने के ही विलन की तरह, है ना, कंजी कंजी आके, काले कलर का मस्सा, बहुत ही खतरनाक आदमी, है ना, हाथ में राइट बहुत ही शानदार चक्कू छुरी लेके। वसूली भाई ने कहा था बेटा अगर लोन टाइम पे मुझे वापस नहीं मिला, ठीक है लोन ले तो रहा है, मान लो मैंने लोन ले लिया वसूली भाई से 10 लाख रुपए का, वसूली भाई बहुत ही खतरनाक सीन चलता है, हाथ पाँव कांप रहे मेरे तो। भैया वसूली भाई ने कहा अगर टाइम पे मुझे रीपे नहीं किया गया लोन, अगर मुन्ना टाइम पे तूने रीपे नहीं किया लोन का अमाउंट और ब्याज, ठीक है ना, राइट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो मुन्ना है ना खोपड़ी के नीचे, बुद्धी के नीचे, कान के नीचे, गर्दन पे चीरा लगा दूंगा, चीरा, समझ रहा है ना, चक्कू निकाल लिया, असली है ये, बच्चों के खेलने की चीज नहीं है बेटा, हाथ में लग जाए तो खून निकल जाता है, याद रखना ये बात, चक्कू निकाल लिया, अब फैसला तेरा है मुन्ना। मैं घबरा गया भाई, मैंने कहा भैया हो लिया काम,
मैं कहा पड़ा हूँ थोड़ा सा, मेरा हाथ पाँव फूल गया, मैंने कहा भाई होलिया कहाँ। अब मुझे लगा भैया पैसे थे नहीं, मैं रीपे कहाँ से करूँ, ठीक है ना। मैं गया एक बहुत ही दिलदार आदमी के पास, राइट। उसका नाम ही क्या था, दिलरुबा, दिलरुबा, ओ दिलरुबा, है ना, मिस्टर दिलरुबा थे। बहुत ही बड़े दिल के आदमी थे क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा था। मैंने कहा भाई साहब है ना, आप तो मेरी जानकारी के हो यार, राइट, मुझे है ना बहुत पैसे की जरूरत है, वरना वसूली भाई चक्कू निकाल चुके हैं, गर्दन पे चीरा लगा देंगे, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, जिंदगी का खेल है बिल्कुल। भैया मेरी मदद करो, मदद करो वसूली भाई, मैं दिलरुबा भाई मेरी मदद करो, दिल आपका बहुत बड़ा है। मैंने कहा बताओ भैया क्या चाहिए, क्या चाहिए। मैंने वहाँ फ्रेश लोन के लिए अप्लाई कर दिया, क्या कर दिया सर, फ्रेश लोन के लिए अप्लाई कर दिया, लोन अप्लाई, ठीक है ना। मैंने सच सच कहानी बता दी, बिल्कुल सच सच, मैं सच कर रहा हूँ भाई, वहाँ दिलरुबा भाई से सच कह रहा हूँ, मैं आपका जो लोन ले रहा हूँ आपका बिल्कुल मैं ब्याज चुका दूंगा, प्रिंसिपल चुका दूंगा, पर मैं ये लोन ले रहा हूँ ताकि मैं वसूली भाई का लोन चुका सकूं। अब लोन के लिए अप्लाई किया, ठीक है ना। अब वसूली भाई ने मुझे, ओ दिलरुबा भाई ने मुझे 10 लाख का लोन दे दिया कि लो भैया चुका दो। अब मैं वहां प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ वहां भी इंटरेस्ट दे रहा हूं, ठीक है ना। अब इन्होंने जो मुझे लोन दिया, अब मैं यहां पर भी क्या पे कर रहा हूं, सुनना ध्यान से दोनों एरो, यहां पर भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। अब यहां पर भी मुन्ना, यहां पर भी मुन्ना इंटरेस्ट का अमाउंट जा रहा है, यानी कि घर बनाने के लिए लोन लिया, यानी कि घर बनाने के लिए लोन लिया, घर एक है, चक्कर में लोन में दो। है ना, लोन हो गया भैया दो। अब बताओ, अब ये तो हो गया भैया लोन वन, और ये हो गया भैया लोन नंबर टू। लोन नंबर टू क्यों लिया गया, लोन नंबर टू इसलिए लिया गया ताकि मैं ओरिजिनल लोन को पे कर सकूं, यानी कि लोन टेकन, लोन टू टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन एंड इट्स इंटरेस्ट। अब भैया मैंने फिर से हाउस प्रॉपर्टी का अपना है ना लेखा जोखा बनाया, मैंने कहा भैया सेक्शन 24 में इंटरेस्ट की डिडक्शन ये वाली क्लेम कर ली, क्योंकि तो भैया तो ओरिजिनल लोन था जिसके लिए है ना मैंने अप्लाई किया था और मुझे लोन मिला था, तो भैया इसकी डिडक्शन तो मुझे मिलेगी सेक्शन 24 में। साथ के साथ मैंने इसकी भी डिडक्शन मांग ली सेक्शन 24 में, है ना, इसको भी घटा दिया, यानी कि मैंने सेक्शन 24 में इस इंटरेस्ट की और इस वाले इंटरेस्ट की, ठीक है ना, राइट, ये वाले इंटरेस्ट की भी डिडक्शन मांग ली और ये वाले इंटरेस्ट की भी डिडक्शन मांग ली, दोनों इंटरेस्ट की डिडक्शन मांग ली, बताओ मिलेगी या नहीं मिलेगी, सोच कर समझ कर जवाब दे मुन्ना। प्यार से जाएगा गर्दन के नीचे और पता भी लगेगा कब नस कटी और कब आत्मा शरीर से निकली, जल्दी बताओ क्या चक्कर है, बताओ। सेक्शन 24 को फिर से अपनी खोपड़ी में घुमाओ मुन्ना, सेक्शन 24 को फिर से अपनी खोपड़ी में घुमाओ, वहां क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन की बात चल रही है, क्या ये कमीशन है। देखो ये वाला रिडक्शन मिलेगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि वसूली भाई से मैंने है ना लोन लिया है, तो इस वाले इंटरेस्ट की रिडक्शन तो मिलेगी। सेक्शन 24 कहता है लोन कहीं से मिलो, दोस्त से, रिलेटिव से, बैंक से इंटरेस्ट रिडक्शन मिलेगी, सर इसकी रिडक्शन मिलेगी। ये जो दूसरा मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ ओरिजिनल लोन को चुकाने के लिए, क्या ये भैया कोई कमीशन है, नहीं। क्या ये ब्रोकरेज है ना, नहीं मुन्ना, ना ये कमीशन है ना ये ब्रोकरेज है। तो क्या ये पेनल्टी है, क्या ये पेनल्टी है, किसी तरह की सजा है ना, डिलेड की सजा है या इंस्टॉलमेंट को ब्रेक करने की सजा है, नहीं सर, ये सिंपल भैया लोन लेकर पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन लिया है, तो जो नए लोन का इंटरेस्ट है उसका भी पर्पस क्या है, उसका पर्पस क्या है। जब ये बात दूर तक पहुंची तो जज साहब ने बोला इन दोनों लोन का पर्पस क्या है, इन दोनों लोन का पर्पस है इंटरेस्ट चुकाना फॉर हाउस प्रॉपर्टी, यानी घर के लिए इंटरेस्ट चुकाना इन दोनों लोन का पर्पस है। इसलिए जज साहब ने क्या बोल दिया, इंटरेस्ट टेकन लोन टेकन टू रीपे द
प्रीवियस या ओरिजिनल लोन इंटरेस्ट शैल बी अलाउड। सच्चे बात क्या कह दिया आपने, ये क्या लिखा है ना, ये लिखी बात बिल्कुल नजर के सामने से जिगर के पास तक लेके जाओ। इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन इज अलाउड मैन, इज अलाउड मैन, इज अलाउड। तो भैया ये मैंने क्या लिया, ये मैंने फ्रेश लोन अप्लाई किया, ये मैंने फ्रेश लोन अप्लाई किया और ये क्या था मेरा, ओरिजिनल लोन था। तो इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन, इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन, इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन, टू रीपे द ओरिजिनल लोन, यानी इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टू रीपे द ओरिजिनल लोन शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। तो भैया दोनों इंटरेस्ट अलाउ जाएंगे। बोलो सर, बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है, मजा ही आता, मजी से टकली, मजा भी आ गई। ठीक है, अब आती है बात सर, अब क्या रहेगा सर, अब मुन्ना एक बहुत ही और मजेदार बात है ना, मजा आएगा सर, क्या किससे सुना है आपने। ए वे अंकल जी कह रहे हैं कि भैया आपने किशन की कहानी तो सुना दी, भैया मेरी भी कहानी सुना दो। उनका नाम है आर वीनु गोपाला। गोपाला गोपाला ओ प्यारे गोपाला। तो भैया वीनु गोपाला, आर वीनु गोपाला का है ना केस है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट को समझे मजेदार तरीके से। भैया वो इंडिया के क्या थे, याद करो, धुंधली याद है, वो भीगी भीगी याद है, वो इंडिया के थे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है मुन्ना, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उनका एक घर था सपनों का, कहाँ पे सर, बर्मा में। तो भैया बर्मा हो गया इंडिया के बाहर, बल्मा नहीं है वो, तो बल्मा है, बर्मा है बर्मा, तो बर्मा हो गया भैया इंडिया के बाहर, सुनना बहुत ध्यान से, राइट। अब सुनना ध्यान से, थोड़ा सा लीक से हटके मैं तुम्हें एक बात कहानी सुना रहा हूं, ठीक है। अब इंडिया के बाहर जब बात पहुंची तो बर्मा की जो म्युनिसिपल अथॉरिटी थी, म्युनिसिपल अथॉरिटी जो थी बर्मा की, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे मैंने दिखाया ना बॉम्बे है ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन BMC, ऐसी वहां पे है ना BMC बर्मा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बर्मा की जो म्युनिसिपल अथॉरिटी थी उन्होंने उन्होंने लिया म्युनिसिपल टैक्स, राइट। अब सुनना ध्यान से मुद्दा क्या है, अब उनका जो घर था उन्होंने वो घर वहां पर बर्मा में क्या दे रखा था, तो खुद इंडिया में रहते थे, बर्मा में रेंट पर चढ़ा रखा था है ना, रेंट पर दिया हुआ था, रेंट पर दिया था, तो बर्मा से क्या आ रहा था, रेंट आ रहा था, ठीक है। आर वीनु गोपाला को रेंट प्राप्त होता था बर्मा से, राइट। अब भैया ये बताओ मुद्दा पता क्या, मुद्दा ये है ROR। अगर कोई ROR है तो तुम्हें याद आ गया होगा ROR की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, ग्लोबल इनकम, चांद पे भी कमाएगा हिंदुस्तान में कमाएगा, चांद पे भी कमाएगा हिंदुस्तान में कमाएगा, याद हो गई होगी बात। तो भैया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला क्योंकि आप ROR है तो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन बर्मा क्या होगा सर, आपका टैक्सेबल होगा। सही बात है झूठ बात है, सही बात है झूठ बात है सर, बिल्कुल सही बात है, टैक्सेबल होगा। अब मान लो भैया रेंट आ रहा था इंडियन करेंसी के हिसाब से ना, कन्वर्ट करके जो रेंट आ रहा था वो आ रहा था फॉर एग्जांपल मान लो 5 लाख रुपए, राइट, इंडियन करेंसी के हिसाब से। अब मुद्दा क्या है, अब उन्होंने यहां पर मान लो यही 5 लाख रुपए क्या बन गई थी उनकी, जीएसटी बन गई थी। उन्होंने क्या किया भाई साहब ने, आर वेणुगोपाला जी ने माइनस कर दिया म्युनिसिपल टैक्स पेड टू बर्मा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को तो जाएगा, म्युनिसिपल टैक्स पेड टू बर्मा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि उन्होंने एक तरीके से म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, और यहां पर ले ली मान लो 50,000 रुपए की, मान लो चलो ठीक है ना 1 लाख रुपए का टैक्स पे करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ऐसे समझने के लिए एक राउंड फिगर ले लेते हैं। उन्होंने बोला भैया एनएवी मेरी आएगी, एनएवी मेरी आएगी 4 लाख रुपए, राइट। अब ये बात जब कोर्ट तक पहुंची है ना, मद्रास हाई कोर्ट तक भी बात पहुंची, तो वहां पता लगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने ये डिस अलाउ कर दिया, उन्होंने कहा भैया ये अलाउड नहीं होगा, इसे कांटा लगा लो, हम इसकी रिडक्शन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि मुन्ना
म्युनिसिपल टैक्स जो पेड है वो तो इंडिया वाले डिडक्शन देते हैं, तुम बर्मा कहां पहुंच गए। अब आर वेणुगोपाल ने ये बोला कि भैया अगर मैं आर ओ आर हूं तो बात समझ आएगी, मैं दुनिया में कहीं भी कमाऊं, मैंने बर्मा में 5 लाख रुपए कमाए तो भैया मेरे बर्मा के 5 लाख रुपए टैक्सेबल हो गए। तो जब इनकम टैक्सेबल है तो खर्चा भी तो भैया घटा देना चाहिए। फिर से म्युनिसिपल टैक्स पे गए, इस बार इंटरेस्ट पे नहीं खेल रहे, सेक्शन 24 में नहीं खेल रहे, म्युनिसिपल टैक्स पे खेल रहे। वो गए पहुंचे भैया म्युनिसिपल टैक्स पे। म्युनिसिपल टैक्स का जब लॉ देखा तो वहां कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। जज साहब ने क्या डिसीजन दिया, जज साहब ने डिसीजन दिया राइट, क्या लिखा, देयर इज नो वेयर, या ऐसे कह दो इट इज नॉट रिटन, इट इज नॉट रिटन एनी वेयर, इट इज नॉट रिटन एनी वेयर दैट डिडक्शन शेल बी गिवन। ये ओरिजिनल डिसीजन है उसका, डिडक्शन इट इज नॉट रिटन एनी वेयर दैट डिडक्शन शेल बी गिवन, है ना, ओनली इफ म्युनिसिपल टैक्सेस, ओनली म्युनिसिपल टैक्सेस आर पेड इन इंडिया इन लोकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेड इन या पेड टू लोकल अथॉरिटी इन इंडिया राइट। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि लोकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ही, इंडिया की ही लोकल अथॉरिटी को अगर आप म्युनिसिपल टैक्स पे करोगे तो ही डिडक्शन मिलेगी, इट इज नॉट रिटन एनीवेयर। अगर कहीं लिखा ही नहीं है और आप उस बेचारे की बर्मा की इनकम, इंडिया के बाहर की इनकम को टैक्सेबल कर रहे हैं और ये वाली बात कहीं लिखी नहीं म्युनिसिपल टैक्स के बारे में, तो इसका मतलब ये है उससे ये डिडक्शन अलाउड की जाएगी। 1 लाख रुपए जो उसने म्युनिसिपल टैक्स ऑफ बर्मा को दिए है, म्युनिसिपल टैक्स इन बर्मा दिया है, ये डिडक्शन अलाउड है, 100% अलाउड है। ठीक है मुन्ना, बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है, अगर आप भैया आप आर ओ आर हैं और आप विदेश की इनकम पे इंडिया में टैक्स दे रहे हैं तो अगर आप वहां पे कोई खर्चा भी कर रहे हैं ठीक है ना, तो आपको वो खर्चा अलाउड होगा। सर इस बात को कहां लिख लें, इस बात को क्यों ना मुन्ना यहां लिख लिया जाए जहां हम है ना अपना फॉर्मेट बनाए थे, यहां पर सर। तो यहां पर मेथड ऑफ कंप्यूटेशन आ गया, ठीक है यहां आ जाओ, यहां लिख लो म्युनिसिपल टैक्स लिखा है ना, यहां लिख लो राइट, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया है ना शैल बी अलाउड, जो आपने आउटसाइड इंडिया पे किया है वो भी अलाउड होगा राइट। अब सर एक बात और लिख लेते हैं, अगर यहां तक पहुंच चुके हैं सर, म्युनिसिपल टैक्स के सिनोनिम्स क्या क्या आ सकते हैं एग्जाम में, तो म्युनिसिपल टैक्स इंक्लूड्स, यानी म्युनिसिपल टैक्स में ये सारे टैक्सेस भी आते हैं, जैसे लिखा आ गया हाउस टैक्स ठीक है तो भैया डिडक्शन दे देना राइट, जैसे लिखा गया वाटर टैक्स तो भैया ये रिडक्शन दे देना, या लिखा गया फायर टैक्स तो भैया रिडक्शन दे देना, या लिखा गया सीवरेज टैक्स है ना, सीवरेज टैक्स रिडक्शन दे देना। तो भैया म्युनिसिपल टैक्स में ये सारे टैक्सेस आते हैं, तो अगर नाम बदल गया तो डिडक्शन ना दे गया है तो भैया लोचा हो जाएगा, इसलिए रिडक्शन दे देना। म्युनिसिपल टैक्स रिडक्शन मिलती है, हाउस टैक्स की रिडक्शन मिलती है, वाटर टैक्स भी मिलती है, फायर टैक्स भी मिलती है, और सीवरेज टैक्स की भी डिडक्शन दी जाती है। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है, बोलो जल्दी सर मजा ही आ चुका है। सर इतनी कहानियां पढ़ ली है ना, एक एक करके नोट करते जा रहे हो, तो सर बात समझ में आ चुकी है। अब भैया तुमने बोला कि छोटी मोटी बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, मैडम जी छोटी मोटी बात नहीं है, इस बार लोन जो लूंगा ना हाउस लोन वो ऐसी जगह से लूंगा जहां से कोई नहीं लेता है। तो भैया तुमने इस बार हाउस लोन अप्लाई किया स्विस बैंक से, अजी हाँ स्विस बैंक पे तुमने हाउस लोन अप्लाई किया, तुम्हारी कहानी है, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बात है तुम्हारी है ना, तुम अपना अपना नाम लिख लेना भैया ना ठीक है। तो भैया तुम हो, तुमने हाउस लोन अप्लाई किया और स्विस बैंक ने क्या कर दिया, तुम्हें हाउस लोन दे दिया, अजी हाँ क्या बात है सर। तो भैया बहुत ही बड़ा बैंक स्विस बैंक, स्विस बैंक से तुम्हें क्या मिल गया, हाउस लोन मिल गया। स्विस बैंक कह रहा है मुन्ना हाउस लोन अगर दे दिया है मैंने तुम्हें तो इसका मतलब ये नहीं कि रीपे नहीं करोगे, रीपे टाइम पे करना तुम्हें,
तो की बात है बल्ली, तुमने हमारी ये रीपे करें क्यों नहीं करेंगे। अब तुम स्विस बैंक को क्या दे रहे हो? बिल्कुल वही कहानी है, राजा वाली कहानी है सर। प्रिंसिपल अमाउंट भी दे रहे हो और स्विस बैंक को ब्याज भी दे रहे हो, ठीक है ना। अब बात आई सर जब सेक्शन 24 में पहुंचे, जब सेक्शन 24 में पहुंचे तो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी फ्रॉम लोन टेकन आउटसाइड इंडिया। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ सर लोन टेकन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। भैया इंडिया के बाहर से लोन टेकन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से लोन ले लिया तो ब्याज की रिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी जस्ट जो मैंने म्युनिसिपल टैक्स वाला केस पढ़ाया वही केस इस पे अप्लाई हुआ कि भैया अगर तुम विदेश की इनकम पर इंडिया में टैक्स लगा रहे हो इंडिया में, तो भैया उससे रिलेटेड जो भी खर्चे कर रहे हैं भैया वो रिडक्शन दे दो भाई, इतना तो हम करोगे नहीं करोगे, तो म्युनिसिपल टैक्स रिडक्शन भी मिलेगी और इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलेगी। तो बैंक से लोन लिया विदेशी बैंक से, तो माना इसमें जज साहब ने बोला इसमें कहां लिखा है लॉ में कि जब मैं इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन यानी जब मैं होम लोन लूंगा तो होम लोन इंडिया के बैंक से ही लूंगा या इंडिया में से लूंगा, कहीं भी लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा। तो अगर मैं होम लोन इंडिया के बाहर से लेता हूं, होम लोन इंडिया के बाहर से लेता हूं तो स्विस बैंक से लोन लिया, किसी और देश से लोन लिया, तो भैया ये मैंने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, अमेरिकन बैंक से लोन लिया, तो ये अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होम लोन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। ब्याज दोगे, अब ब्याज की रिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी? हाँ जी बिल्कुल मिलेगी। अब ब्याज की रिडक्शन मिलेगी भैया? मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी, 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 क्यों नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो ब्याज की रिडक्शन अगर मिलेगी तो कुछ शर्तें डाल दी, और वो शर्तें याद आ गई होंगी जो मैंने तुम्हें सेक्शन 9 में भी पढ़ाई थी। सर अगर हम किसी विदेशी लोगों को पे करते हैं और फिर इंडिया से वो कमा के लेके जाते हैं तो उनके आगे हाथ तो जोड़ेंगे नहीं, ओ भैया ओ स्विस बैंक, ओ बेटा जी, ओ बाबू जी, ओ किस्मत की हवा कभी गर्म कभी नरम, ओ भैया स्विस बैंक इंडिया वाले तुझे ब्याज दे रहे हैं तो तूने कमाई इंडियन सोर्स से की है तो भैया इंडिया में टैक्स भर दे, देगा ना? वो मना कर रहा है नहीं दूंगा, क्या कर लेगा, है ना? फिर वो क्या बोलेगा, मैं विजय माल्या को पकड़ ना पा रहे, तुम माल्या माल्या विजय माल्या को तुम्हारा पैसे लेके भाग गया, नीरव मोदी पैसे लेके भाग गया, है कि नहीं बात? भैया इन लोगों को तुम पकड़ ना पा रहे, है ना, हम पकड़ लोगे, आदो पकड़ लो स्विस बैंक, तो भैया तो इंसल्ट हो जाएगी, पकड़ में आएंगे नहीं और हम है ना वहां जाके वसूली करने जाएंगे। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट निकाला, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड सोर्स। तो पहली शर्त, सबसे पहली शर्त और सबसे बड़ी शर्त ये लिख दी, जब भी आप इंटरेस्ट पे करोगे टैक्स काट के पे करना। क्या लिखा है बात, जब भी इंटरेस्ट पे करेंगे तो इंटरेस्ट पर टैक्स काट के पे करेंगे, टैक्स काट के पे करें, राइट। मान लो अगर इंटरेस्ट बैठता है 1,00,000 रुपए, ठीक है, और टीडीएस का रेट है फॉर एग्जाम्पल टीडीएस का रेट है 10% और इंटरेस्ट का रेट इंटरेस्ट बैठ रहा है 1,00,000, तो भैया जब आप स्विस बैंक को पे करें तो 1,00,000 में से क्या करना मुन्ना, 10% का टीडीएस काट लेना 10,000 और 90,000 रुपए की पेमेंट करना, तभी आपको रिडक्शन पूरी अलाउड हो जाएगी, तभी रिडक्शन अलाउड होगी, तभी इंटरेस्ट 10,000 तभी इंटरेस्ट 1,00,000 अलाउड होगा। तो जब आप पे करेंगे तो कितने रुपए पे करेंगे, अब आप स्विस बैंक को पे करेंगे 90,000 रुपए और गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेंगे, 10,000 रुपए का टैक्स पे कर देंगे सरकार को, है कि नहीं बात, राइट। यहां लिख देता हूं, चलो ये 10,000 रुपए कहाँ जाएंगे मुन्ना, ये 10,000 रुपए जाएंगे हमारी भारतीय सरकार को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, राइट, और 90,000 रुपए जाएंगे स्विस बैंक को। तो स्विस बैंक के पास पहुंच जाएंगे सर 90,000 रुपए। ये स्विस बैंक को पहले पता होता है, स्विस बैंक को हम पहले बोल देंगे भैया देखो हमारे इंडिया में टीडीएस का चक्कर चलता है, लोन दे रहे हो तो ब्याज पे 10% कट के मिलेगा, 1,00,000 की जगह 90 मिलेंगे, स्विस बैंक उसे यस करता है, ठीक है जी मंजूर है, पता है। 10 कहाँ पहुंच गए, 10 पहुंच गए मुन्ना सरकार के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। अब जब मैं अपना हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट बनाऊंगा, जब मैं अपना हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट बनाऊंगा तो बताओ सेक्शन 24 में 30% के बाद, एक तो 30% रिडक्शन दे दी, सेक्शन 24 में जो ब्याज की रिडक्शन दूंगा वो ब्याज की रिडक्शन कितनी दूंगा सर, ब्याज की रिडक्शन 1,00,000 रुपए दूंगा या 90,000 तो स्विस बैंक के पास पहुंचे कितनी रिडक्शन दूंगा, अरे भैया सिंपल है वो सिंपल, तुमने ब्याज कितना दिया मुन्ना, ये हो तुमने ब्याज कितना दिया, तुम्हारी जेब से
कैश आउटफ्लो कितना हुआ भैया तुम्हारी जेब से, कैश आउटफ्लो हुआ कितना तुम्हारी जेब से, कैश आउटफ्लो हुआ कितना तुम्हारी जेब से ब्याज के नाम के, तुम्हारी जेब से ब्याज के नाम के, मुन्ना 1 लाख रुपए ही तो गए हैं तुम्हारी जेब से ब्याज के नाम के, तो तुम्हारी जेब से ब्याज के नाम के 1 लाख रुपए गए हैं, जिसमें से 90 स्विस के पास चले गए, 10 सरकार के पास चले गए, तुम्हारा कैश आउटफ्लो तो 1 लाख ही है। तुम बोलोगे भैया मेरी जेब से तो 1 लाख रुपए गए हैं, तुम कहीं भी बांट दो इन्हें, तो इंटरेस्ट डिडक्शन कितनी मिलेगी, इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेगी 1 लाख रुपए। तो भैया तुम क्या दिखाओगे, तुम दिखाओगे अपने हाउस प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में लोन फ्रॉम स्विस बैंक, ठीक है, इंटरेस्ट, लोन फ्रॉम स्विस बैंक, इंटरेस्ट 1 लाख रुपए मिल जाएगी डिडक्शन। डिडक्शन कब मिलेगी, जब आपने टीडीएस काट लिया होगा। अगर टीडीएस नहीं काटा तो एक बालक कह रहा है सर नहीं काटा टीडीएस, अब बताओ, अब बताओ क्या कर लोगे, नहीं काटा टीडीएस, अब बताओ क्या कर लोगे। मुन्ना सुन ले, है ना, बहुत बोल लिया ना, सुन ले, नहीं काटा टीडीएस तो क्या कर लोगे। अगर टीडीएस नहीं काटा तो ये जो हाउस प्रॉपर्टी का तुम यहाँ बहुत ही सुंदर सा फॉर्मेट बना रहे हो और इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम कर रहे हो 1 लाख रुपए, अगर टीडीएस नहीं काटा तो भैया हमारी सरकार बोलेगी लगा लो काटे, यहाँ कांटा लग जाएगा, 1 लाख की डिडक्शन नहीं मिलेगी। इफ टीडीएस नॉट डिडक्टेड, इफ टीडीएस नॉट डिडक्टेड देन 1 लाख रुपीज शेल नॉट बी अलाउड, 1 लाख रुपए अलाउड नहीं होंगे, राइट। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि भैया टीडीएस वीडीएस की बात नहीं करना चाहते तो विदेशी बैंक जिसने तुम्हें लोन दिया है उसकी कोई ब्रांच, उसका कोई एजेंट जो इंडिया में है उसका पता दे देना। सर ये बात कहाँ लिखी है, ये बात लिखी है बहुत ही ऐतिहासिक सेक्शन 25 पर, और इसलिए मैंने इस पर बॉम्ब भी बना रखा है जो फट सकता है एग्जाम में कभी नहीं, कभी नहीं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, है ना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ब्याज मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया के ऊपर क्या लिख लो, आउटसाइड इंडिया के ऊपर लिख लो स्विस बैंक, तो एग्जाम में याद आएगा स्विस बैंक की कहानी। तो भैया स्विस बैंक को मैं ब्याज पे कर रहा हूँ, शैल बी अलाउड एज रिडक्शन, शैल बी अलाउड एज रिडक्शन, डिडक्शन उसकी मिलेगी, डिडक्शन उसकी मिलेगी, पूरी मिलेगी इंटरेस्ट की डिडक्शन सेक्शन 24 में, अगर अगर आपने क्या किया है, टैक्स ऑन द सेम हैज बीन पेड और डिडक्टेड, या तो टीडीएस काट दिया हो या टीडीएस काट के जमा कर दिया, हमारे केस में टीडीएस कितना था 10,000 रुपए, 10,000 रुपए का टीडीएस काट लिया गया हो, काटने के बाद क्या कर दिया गया हो सरकार के पास जमा कर दिया, दोनों में से कोई भी काम काट के जमा कर दिया तो बहुत ही बढ़िया बात है, या काट लिया कि भैया मैं जमा कर दूंगा चिंता मत कर, तो सरकार को भरोसा है क्या जमा जरूर करेंगे, या फिर वर्ड लिखा है और, क्या वर्ड लिखा है और, लिखा है और, या तो टीडीएस काट लो, आपने कहा नहीं नहीं भैया टीडीएस वीडीएस नहीं काट पाया मैं, गलती होगी मुझसे माय बाप माफ कर दो, तो भैया सेक्शन 25 बोलता है टीडीएस नहीं काटा तो एक काम करना, कोई भी पर्सन इंडिया में उसका एजेंट माना जाएगा उस पर्सन का पता दे दो, राइट। इफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम, यानी 1 लाख रुपए की जो इनकम है स्विस बैंक की, एनी पर्सन इंडिया मे बी ट्रीटेड एज एजेंट, कोई भी स्विस बैंक का एजेंट इंडिया में माना जाएगा उसका पता देना पड़ेगा, जैसे कि एजेंट कह दो या फिर कह दो कोई भी इंडिया में ब्रांच हो जहां पे हम जाकर उनसे कार्रवाई कर सके, उनसे पैसा निकलवा सके, भैया 1 लाख का ब्याज तुम्हें मिला है, 1 लाख रुपए के ब्याज पर 10,000 रुपए का टैक्स बनता है, 10,000 रुपए का टैक्स वसूलना पड़ेगा, टैक्स 1 लाख रुपए पर 10,000 रुपए का टैक्स तुम्हें देना पड़ेगा, तो 10,000 रुपए का टैक्स मैं किससे वसूल लूं, या तो टीडीएस के भरोसे वसूल लूं, अगर मैं टीडीएस नहीं काट रहा तो भैया उनका कोई एजेंट या उनका कोई ब्रांच का पता बता दो जहां से मैं 10,000 का टैक्स वसूल लूं, यानी कहने का मतलब है कि 10,000 रुपए का टैक्स वसूलना है तो 10,000 रुपए का टैक्स या तो टीडीएस के नाम से वसूल लिया जाए, ठीक है, राइट, या फिर वही 10,000 रुपए के टैक्स के लिए आप कोई एजेंट बता दें, तो भैया 10,000 रुपए का जो टैक्स बनता है या तो वो टीडीएस के थ्रू वसूला जाएगा या फिर उस 10,000 रुपए के टैक्स के लिए स्विस बैंक तुम अपना एजेंट या कोई भी ब्रांच इंडिया में, है ना, बताएं इंडिया में, बताओ भैया स्विस बैंक अपना कोई भी एजेंट इंडिया में बताओ जिससे हम ये 10,000 रुपए बाद में वसूल लेंगे, राइट। ये सेक्शन 25 कहता है, इन दोनों में से कोई भी बात आपने पूरी कर दी,
तो इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिलेगी, इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको अलाउड होगी लोन टेकन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, लोन टेकन फ्रॉम स्विस बैंक। तो सेक्शन 25 के आगे लिख लो लोन फ्रॉम स्विस बैंक, तो कहानी याद आ जाएगी। ठीक है, डिडक्शन किसकी लेनी है मुन्ना? डिडक्शन लेनी है ब्याज की सेक्शन 24 में। तो मेरे दोस्तों सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आज आपको बताए हैं बिल्कुल डिटेल में बताए हैं, एक एक लॉजिक के साथ बताए हैं, राइट। तो ये कुछ पॉइंट तो यही कवर हो गए हमारे, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 और एक जो केस बताया वीनू गोपाला राव का, वो म्युनिसिपल टैक्स से रिलेट करके बताया है। तो म्युनिसिपल टैक्स और ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अब आपको समझ में आ चुके हैं। तो चलिए रिवाइज कीजिए, पॉइंट की समरी बना के रखिए ताकि एग्जाम में गलती ना हो, हालांकि तुम्हारे सामने लिखे ही है। तो मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।